चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जो चैप्टर है ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल को हम लोगों ने इसके पहले क्लास 9 में इसका पढ़ाई किया हुआ, 9th में जो हम लोग पढ़ाई किए हुए थे कन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ाई किए हुए थे, और अभी जो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं ये आपको सिमिलरिटी के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल स्टार्ट करने के पहले हम आते हैं पॉलीगन के बारे में। तो पॉलीगन तो आपको पता है कि द सिंपल क्लोज फिगर विच इज बाउंडेड बाई थ्री और फोर लाइन सेगमेंट्स इज नोन एज ए पॉलीगन। पॉलीगन का जो सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे पहला जो टाइप होता है आपका ट्रायंगल होता है। पॉलीगन का दूसरा टाइप क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, मोनागन, डेकागन, अनडेकागन, डोडेकागन एंड सो ऑन, ऐसे ही कंटिन्यू करता है। इसलिए हम इससे सबसे पहले वाले पार्ट ट्रायंगल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल का ऑलरेडी स्टडी जो है कन्ग्रुएंट के लिए क्लास 9th में कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में। ज्योमेट्रिकल फिगर्स, तो ज्योमेट्रिकल फिगर का मतलब होता है कि एक ऐसा फिगर जिस फिगर का स्टडी हम ज्योमेट्री में करते हैं, यानी उस फिगर को देखने के बाद हम तुरंत आइडेंटिफाई कर पाते हैं या कि किस चीज का फिगर है, उस फिगर को ये बोलते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स। जैसे यहाँ पे हम एक फिगर बना रहे हैं, इस फिगर में ए इन पॉइंट है, बी भी एक इन पॉइंट है, इस फिगर को देखने के बाद तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ एक लाइन सेगमेंट का फिगर दिख रहा है, यानी इसका मतलब है कि इस लाइन सेगमेंट का स्टडी जो है हम ज्योमेट्री में कर चुके हैं। फिर अगर हम यहाँ पे कोई एक फिगर बनाते हैं, आप तुरंत इसको देख करके बता दीजिएगा यहाँ एक सर्किल का फिगर है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक हम फिगर बना रहे हैं, इसको भी देख करके आप पता कर सकते हैं कि यहाँ एक ट्रायंगल का फिगर है। यहाँ आप कोई और फिगर बना रहे हैं जिसको देख करके आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि हाँ एक क्वाड्रिलेटरल का फिगर है। आखिर इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका स्टडी हम ऑलरेडी ज्योमेट्री में किए हुए, यानी इन सब फिगर के बारे में हमको जानकारी है, इसलिए इन सबको हम बोल रहे हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स। अब ज्योमेट्रिकल फिगर के बाद हम सबसे पहले आते हैं सिमिलर फिगर्स के बारे में। सिमिलर फिगर्स, तो सिमिलर फिगर का मतलब यही होता है कि कोई दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स, यानी बोलेंगे कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर शेप्स आर इक्वल। यानी कोई दो ज्योमेट्रिकल फिगर अगर आपको दे दिया जाए और उन दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर का शेप इक्वल है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर जो है क्या है, तो सिमिलर फिगर्स है। अब सिमिलर फिगर्स में आते हैं सबसे पहले लाइन सेगमेंट के कंसेप्ट में। लाइन सेगमेंट यानी सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स में अभी मैंने बताया कि किसी दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स, यानी कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर शेप्स आर इक्वल। तो सिमिलर फिगर में हम एग्जांपल में आते हैं सबसे पहले लाइन सेगमेंट। तो अगर हमको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है AB, और कोई दूसरा लाइन सेगमेंट मेरा हो गया CD, तो लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि इसका लेंथ है। यानी इस लाइन सेगमेंट का अगर हमको लेंथ पता है, फिर दूसरे वाले लाइन सेगमेंट का लेंथ पता है, तो हम आसानी से दो लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। यानी इसका शेप और इसका शेप दोनों बिल्कुल सेम है, यानी कहने का मतलब है कि दोनों फिगर जो है सिमिलर होगा। इसका लेंथ सेम हो या फिर सेम नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमको शेप से मतलब है। यहाँ पे दोनों का शेप सेम है इसलिए दो लाइन सेगमेंट ऑलवेज सिमिलर होते हैं, यानी बोल सकते हैं कि टू लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर। इसके बाद हम सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में आते हैं। तो सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में हम सर्कल लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ सर्कल लेते हैं, सर्कल को अगर आपको बोला जाए ड्रॉ करने के लिए, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि इसका रेडियस है। यानी इसका रेडियस मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि 4 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है। यानी दोनों जो है, दोनों जो सर्कल दिख रहा है, भले साइज ही दोनों का अलग है लेकिन शेप जो है बिल्कुल दोनों का सेम है। यानी यहाँ भी बोल सकते हैं कि टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ठीक है। दोनों का रेडियस सेम हो तब भी सिमिलर होगा, सेम नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी सिमिलरिटी के लिए सिर्फ हमको शेप्स का सेम होना जरूरी है, साइज सेम हो जाए तो भी अच्छा है, नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके जस्ट बाद हम आते हैं स्क्वायर में। स्क्वायर में अगर हम आते हैं तो स्क्वायर का तो प्रॉपर्टीज ही है कि इसका ऑल साइड आपको इक्वल मिलेगा। कोई दूसरा एक स्क्वायर लेते हैं, पहले वाला जो स्क्वायर है इसका साइड 4 सेंटीमीटर है,
ठीक है। दूसरा वाला आपने क्या स्क्वायर लिया जिसका साइड जो है 6 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों स्क्वायर में अगर आप देखते हैं तो दोनों स्क्वायर में हमको शेप जो है बिल्कुल इक्वल दिखाई देगा, साइज भले ही अलग हो, यानी यहाँ भी दो स्क्वायर जो है आपका सिमिलर होगा, यानी आप बोल सकते हैं कि टू स्क्वायर आर ऑलवेज सिमिलर। बट टू रेक्टेंगल्स के केस में अगर बोला जाता, अगर आपको दो रेक्टेंगल दे दिया जाए और बोला जाए कि दोनों रेक्टेंगल जो है सिमिलर होगा या नहीं, तो इसका कोई क्लियरिटी नहीं है, यानी कंडीशन पर डिपेंड करेगा, जिसको हम जस्ट इसके बाद बता देंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कंडीशंस नेसेसरी फॉर सिमिलरिटी, यानी जस्ट वही बताएंगे आपको कि अगर दो आपको दे दिए जाए रेक्टेंगल तो उस केस में दोनों रेक्टेंगल ऑलवेज सिमिलर तो नहीं होते हैं, यानी अगर होंगे भी तो किस केस में होंगे, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन है कंडीशन फॉर सिमिलरिटी, कंडीशंस फॉर सिमिलरिटी यानी सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन है। तो सिमिलर होने के लिए अभी मैंने देखा, हम लोगों ने अभी देखा कि अगर लाइन सेगमेंट है कोई कंडीशन नहीं है, लाइन सेगमेंट है तो ऑलवेज सिमिलर होगा, फिर सर्कल है तब भी ऑलवेज सिमिलर होगा, स्क्वायर है तब भी ऑलवेज सिमिलर होगा, बट रेक्टेंगल है तो ऑलवेज सिमिलर नहीं होगा, यानी किस कंडीशन में होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कंडीशंस नेसेसरी फॉर सिमिलरिटी में। पहला कंडीशन है कि जो भी दो पॉलीगोन का आपको कंपैरिजन करना है, पता करना है कि दोनों पॉलीगोन सिमिलर है कि नहीं, तो सबसे पहला कंडीशन है दोनों में नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए, यानी पहले पॉलीगोन में नंबर ऑफ साइड 3 है तो दूसरे में भी नंबर ऑफ साइड 3 होना चाहिए, पहले में नंबर ऑफ साइड 4 है तो दूसरे में भी नंबर ऑफ साइड 4 होना चाहिए, पहले में 5 है तो दूसरे में भी 5 होना चाहिए। अगर दोनों में नंबर ऑफ साइड सेम नहीं है तो उस कंडीशन में कंपैरिजन नहीं होगा, यानी दोनों पॉलीगोन पहले ही आपको सिमिलर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं ट्रायंगल के लिए, यानी अगर पहला लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं यहां से ई क्यू आर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए कंडीशन है यहां से एंगल ए एंगल ए एंगल पी के लिए इक्वल होना चाहिए, यानी एंगल ए इक्वल एंगल पी, फिर आपका एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल क्यू के, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू के, साथ साथ एंगल सी एंगल सी एंगल आर के। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि दोनों के कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, यानी पहले में साइड हम ए बी लेते हैं तो दूसरे में पी क्यू, फिर पहले में बी सी लेते हैं तो दूसरे में क्यू आर, पहले में सी ए लेते हैं दूसरे में आर पी। अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता तो उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल को बोल सकते हैं सिमिलर है। ऐसे ही अगर हम क्वाड्रिलेटरल्स में भी आते हैं, क्वाड्रिलेटरल पहला क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, दूसरा क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस। अगर हम चाहते हैं दोनों क्वाड्रिलेटरल को सिंगल दिखाना तो इसके लिए यहाँ भी वही कंडीशन है, सबसे पहले नंबर एंगल ए जो है पी के इक्वल होना चाहिए, बी जो है क्यू के इक्वल होना चाहिए, सी जो है आर के इक्वल होना चाहिए और डी जो है एस के इक्वल होना चाहिए, साथ ही साथ साइड भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी सी बाई क्यू आर इक्वल सी डी बाई आर एस इक्वल डी ए बाई एस पी। अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता तो ये दोनों जो आपका फिगर जो दिख रहा है सिमिलर होगा। अभी मैंने जस्ट बताया पहले आपको कि दो आपके पास स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर जो है ऑलवेज सिमिलर होंगे, जैसे पहला स्क्वायर यहाँ पर लिए हुए और यहाँ पे दूसरा स्क्वायर, तो स्क्वायर में तो पता आपको सारा टोटल एंगल जो है 90-90 का होगा, यहाँ भी सब 90-90 का हो जाएगा, यानी एंगल तो दोनों का इक्वल है। साइड में आते हैं तो इसका ही साइड 4 है तो भी 4 4 4, 6 है तो 6 6 6, यानी आप देख रहे हैं कि पहले साइड का अगर यहाँ से हम इसका रेशियो देखते हैं तो 4/6 यानी 2/3, यहाँ से भी देखते हैं वही रेशियो, यहाँ से भी वही रेशियो और यहाँ से भी वही रेशियो, यानी दो स्क्वायर है तो दोनों स्क्वायर जो है ऑलवेज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए दोनों जो है ऑलवेज सिमिलर होते हैं। लेकिन दो रेक्टेंगल है, जब दो रेक्टेंगल है उस केस में एंगल तो इक्वल हो जाएंगे, एंगल इक्वल होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है,
पहले रेक्टेंगल में मान लिया हमें ब्रेथ 2 है, 2 यूनिट है और लेंथ जो है 3 यूनिट है। दूसरे रेक्टेंगल में मैंने मान लिया कि ब्रेथ जो है 4 यूनिट है और लेंथ जो है आपका 12 यूनिट। इस कंडीशन में अगर हम रेशियो निकालना चाहते हैं तो एंगल तो इसका भी 90 90 90 90, यहां भी चार एंगल 90 है, एंगल में कोई दिक्कत नहीं होगा। साइड में अगर हम आते हैं तो यहां 2 है और यहां 4 है, यानी 2/4 कटेगा तो आपको मिल जाएगा 1/2। इस साइड पे आते हैं तो यहां 3 है और यहां 12 है, 3/12 कटेगा तो 1/4। यहां देख रहे हैं कि दोनों रेशियो जो है इक्वल नहीं है, यानी यहां पे ये दोनों ट्रायंगल दोनों हम रेक्टेंगल को सिमिलर नहीं बोल सकते, ठीक है। इसलिए मैंने बोला आपको कि दो रेक्टेंगल आपको दिया हुआ तो हम उसको ऑलवेज सिमिलर नहीं बोल सकते हैं, दो स्क्वायर दिया हुआ ऑलवेज सिमिलर बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दो स्क्वायर में हर कंडीशन में रेशियो यानी जो कंडीशन चाहिए सिमिलरिटी के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हमने देख लिया सिमिलरिटी के लिए कंडीशन, अब हम लोग आते हैं पहले थोड़ा सा कन्वर्जेंस के बारे में देख लेते हैं कांसेप्ट, फिर अभी सिमिलरिटी में डिस्कस करेंगे। कन्वर्जेंस में आते हैं, कन्वर्जेंट फिगर्स आते हैं, कन्वर्जेंट फिगर्स कन्वर्जेंट फिगर्स कन्वर्जेंट फिगर्स में क्या है, यहां पे बोलते हैं कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ देयर शेप्स एंड साइज आर इक्वल। यानी कन्वर्जेंट में क्या कंडीशन है कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर को कन्वर्जेंट तभी बोलेंगे जब उसका शेप भी इक्वल हो और साथ साथ साइज भी इक्वल हो, उस कंडीशन में ही हम कन्वर्जेंट फिगर्स बोल सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम एग्जांपल में आते हैं लाइन सेगमेंट के लिए, तो पहला लाइन सेगमेंट अगर मैंने ले लिया ए बी, ठीक है, दूसरा लाइन सेगमेंट सी डी, इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे का भी लेंथ 5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। यानी यहां पे हम बोलेंगे टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी आर कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी। यानी इन दोनों लाइन सेगमेंट को हम कन्वर्जेंट बोल सकते हैं, इन दोनों लाइन सेगमेंट को हम यानी ए बी लाइन सेगमेंट कन्वर्जेंट टू सी डी इफ एंड ओनली इफ, जो आपको सिंबल दिख रहा है इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है, इफ एंड ओनली इफ AB इक्वल CD, यानी AB और CD दोनों का लेंथ इक्वल है तो उस कंडीशन में हम इन दोनों लाइन सेगमेंट को कन्वर्जेंट बोल सकते हैं। अगर दोनों लाइन सेगमेंट कन्वर्जेंट है तो दोनों का लेंथ भी इक्वल होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है, ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट को लिख सकते हैं और ये वाला पार्ट दिया हुआ है इस पार्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर एग्जांपल में आते हैं सर्कल के, तो सर्कल में क्या होगा, सर्कल में कन्वर्जेंट होने के लिए भी वही कंडीशन है कि शेप और साइज इक्वल होना जरूरी है। तो सर्कल में शेप तो ऑलवेज इक्वल हो जाता है, कोई भी दो सर्कल लीजिएगा तो शेप इक्वल हो गया, तो साथ साथ वहां पे हमको उसका साइज भी इक्वल देखना पड़ेगा। यानी यहां बोलेंगे कि टू सर्कल्स आर कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। यानी कोई दो सर्कल को हम कन्वर्जेंट बोलेंगे लेकिन किस केस में, जब दोनों का रेडियस सेम हो उस केस में ही बोलेंगे। यानी यहाँ पे पहला सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस जो है R, कोई दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर जो है O डैश है और रेडियस जो है S है। यानी यहाँ बोलेंगे ये सर्कल C विद सेंटर O एंड रेडियस R कन्वर्जेंट टू सर्कल C विद सेंटर O डैश रेडियस S इफ एंड ओनली इफ R इक्वल टू S। यानी दोनों सर्कल जो है कन्वर्जेंट तभी होगा जब दोनों का रेडियस इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम आते हैं स्क्वायर के केस में, दो स्क्वायर कन्वर्जेंट तब होंगे जब दोनों का शेप और साइज इक्वल हो। तो अभी हमने बताया कि दोनों का शेप तो हमेशा इक्वल होता है, यानी दोनों का साइज इक्वल होने के लिए दोनों का साइड का इक्वल होना जरूरी है। यानी यहां बोलेंगे टू स्क्वायर्स आर कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ देयर साइड्स आर इक्वल, ठीक है, कन्वर्जेंट में याद रखिए। फिर हम आगे प्रूफ के तौर पे लिख सकते हैं कि अभी मैंने देखा, हम लोगों ने देखा कि कन्वर्जेंट होने के लिए शेप और साइज दोनों का इक्वल होना जरूरी है, बट सिमिलर होने के लिए सिर्फ शेप का इक्वल होना जरूरी है। यानी हम बोल सकते हैं कि कोई फिगर कन्वर्जेंट है तो सिमिलर जो है कन्फर्म होगा, बट सिमिलर है तो कन्वर्जेंट होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। एक चीज और यहां से देखेंगे, दो फिगर
फिगर यानी कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स ट्रायंगल ले ले क्वाड्रिलेटर ले ले सर्कल ले ले अगर दोनों फिगर कंग्रुएंट है तो कंग्रुएंट है इसका मतलब अगर इस फिगर को हम इसके ऊपर डाल दें या फिर इस फिगर को इसके ऊपर डाल दें तो उसको बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा यानी उस कंडीशन में इन दोनों फिगर का एरिया जो है बिल्कुल सेम होगा।